टू माई चैनल विपाशा ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो देख सकते हैं आज आगे है नया सा ब्लॉग लेके। तो मेरा सुबह शुरू हुआ है, मिनिमम वही 8:30 से मैं उठी हूँ। देन मैं फ्रेश होके थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी के अभी थोड़ा स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे रख दिए स्टडी करने के बाद। मतलब थोड़ा लिखना वगैरह था, स्टडी करना था, तो वही कर लिए। तो आज मम्मी बोल रही है कि ये जो देख रहे हैं ना ऊपर में बहुत ज़्यादा धुल्ला जमा हो गया, क्योंकि नीचे में तो झाड़ू पोछा हो ही जाता, ऊपर में नहीं होता। और अभी पूजा भी आ रहा है, पूजा से पहले एक बार घर मेरा फिर से क्लीन होगा क्योंकि मैं। तो चलिए व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नया नया व्लॉग, इंटरेस्टिंग व्लॉग, डेली व्लॉग मेरा चैनल पर आते रहता है, विपाशा व्लॉग पर। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आ गए हैं, सोफ़ा का जो कवर है वो सब हटा देंगे क्योंकि ऊपर से जो भी धुल्ला वगैरह गिरेगा, ऐसे ही कवर धोई है मम्मी 2-3 दिन पहले, फिर से गंदा हो जाएगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी उठ गई हूँ चेयर में। तो चेयर में उठने के बाद आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा धूल, ऐसे नीचे में झाड़ू पोछा होता ऊपर में हमेशा नहीं ना हो पाता, इसीलिए। तो यहाँ पे नीचे से सारा धूल मैं साफ़ कर दूँगी, पहले ऊपर का जो धूल है वो सब हटा दे रहे हैं, साफ़ कर ले रहे हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल मिट्टी ये सब क्या क्या निकल रहा है, हमको लग रहा है ऊपर में इतना ज़्यादा डस्ट जमा हो गया ना, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। फिर मैं आ गई हूँ इधर में झाड़ने के लिए। ये वाला लंबा सा है, बहुत बड़ा सा है, इसीलिए बहुत टाइम लगता है इसको मतलब साफ़ करने में। पहले ये सब मम्मी किया करती थी, मैं मम्मी को देखती थी, अभी मैं भी देख देख के सीख गई हूँ। ऐसे झाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर मैं अच्छा से झाड़ ले रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला मेरा मम्मी मेला से लेके आई है, बहुत सुंदर सा ट्रे है, बहुत प्यारा सा लगता है। तो जिस दिन लेके आई उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देख सकते हैं ऐसे जग वगैरह रखने के लिए, ग्लास वगैरह रखने के लिए। तो ये टेबल में बहुत ज़्यादा अच्छा से लुक क्रिएट करता है, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा से लग रहा है देखने में। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगा लेने के लिए, क्योंकि मैं ऊपर में झाड़ी थी तो वो झाड़ू मैंने नहीं लगाया था। तो उसके बाद मैं पहले क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि सोफ़ा वगैरह में जो धुल्ला था उसको तो मैंने झाड़ के क्लीन कर लिया बट नहीं क्लीन हुआ था। फिर यहाँ पे आ गए हैं टेबल क्लीन करने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोतल वगैरह है एक्स्ट्रा रखा गया था, सब पानी भर भर के रखे बट फ्रिज में नहीं रखे थे, तो अभी वहीं दे रहे फ्रिज में रखने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे ना मम्मी अपना किचन का काम कर रही है और मैं कर रही हूँ यहाँ का टेबल साफ। तो संडे को हम लोग का पूरा घर मतलब झाड़ाता है पोछाता है। और ये देख सकते हैं सब्जी बन चुका है, भात बन चुका है, मतलब भात और सब्जी हो चुका है। अब हम लोग घर में और भी मम्मी खाना बना रही है क्योंकि आप लोग को तो पता ही है मछली हम लोग का बनेगा ही बंगाली घर में, तो बंगाली घर में आज मेरा वहीं बन रहा है। और हम लोग का चटनी भी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, मीठा चटनी जिसको बोलते हैं, हम लोग चीनी डाल के बनाते हैं चटनी, तो वो ना चावल के साथ खाइएगा ना बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है अचार वाला काम कर रहा है। और ये देख सकते हैं उसके बाद आगे ना फ्रिज, फ्रिज का ऊपर का जो कवर है ना वो पूरा धूल से भरा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो जब सब क्लीन कर रहे हैं तो फ्रिज का कवर भी क्लीन करते हैं। और उस दिन वो अगला वाला आप लोग ब्लॉग में देखे थे यही वाला जो फ्लावर पॉट ही, उसी को मैंने क्लीन किया था, तो बहुत अच्छा से क्लीन हो चुका है, अभी देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में,
तो अभी किचन में मम्मी बना रही है भुजिया, आप लोग देख सकते हैं अभी बन रहा है भुजिया। अभी बहुत कुछ बनना बाकी है खाने में। संडे को थोड़ा बहुत बनता ही है घर में स्पेशल, मतलब वही ज़्यादा सब्जी वगैरह बनेगा, दाल वगैरह बनेगा। उसके बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था मेरे को, तो मैं आ गई हूँ एसी रूम में खिड़की बंद कर देने के लिए। सुबह से खिड़की खोल देते हैं, रात भर एसी चलता है, फिर अभी चलाने के लिए आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो यहाँ पर चला दिए। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, मतलब ऊपर में जो क्लीन करने का होता है ना वो मैं क्लीन कर दे रही हूँ। कि मम्मी का खाना बनाना हो चुका था तो मैंने सोचा कि चलो अपना मम्मी का खाना बनाना हो चुका है, मम्मी नीचे का फर्श जो होता है वो पोछा वगैरह लगा दिए, ऊपर का नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही ये वाला कर देती हूँ। मम्मी को बोले आप जाओ मैं कर दे रही हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ अभी। तो यहाँ फिर आ गए हैं सारा काम ख़त्म होने के बाद, हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए। तो बहुत सिंपल सा खाना बनाया जैसे बंगाली घर में बनता है, तो फिर मैं पानी निकाल ले रही हूँ यहाँ से, और अभी 2 ही बज रहा है, खाना खाने का प्रॉपर टाइम हो चुका है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ग्लास में पानी ले ले रहे हैं क्योंकि खाते खाते मुझे पानी प्यास लगता है, बिना खाते खाते मैं पानी बिना पिए रह ही नहीं पाऊँगी। तो शाम हो चुका है और मैं थोड़ा सो गई थी, आप लोगों को तो पता ही है मैं दोपहर को थोड़ा बहुत सोती हूँ, रेस्ट लेती हूँ, नहीं तो मेरे को अजीब सा लगता है, थोड़ा सर वगैरह दुखने लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, दोपहर में सो जाती हूँ, 1-1.5 घंटा भी हो बट मैं सो जाती हूँ। दुकान में कुछ ख़रीदना है, हम लोग का यहाँ ही सामने में ही बाज़ार है, तो वहाँ पर जाके कुछ ख़रीदना है, तो चलिए देखते हैं। और सोच रहे थे ये सब करवाएँगे, तो देखते वो पार्लर अगर खुला रहेगा तभी मैं कराऊँगी, नहीं तो मैं नहीं लूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहले सबसे पहले हॉर्लिक्स पी लेते, दिन में चलूंगी। तो यहाँ देख सकते हैं शाम हो चुका है और मैं बाहर आप लोगों को दिखा रही हूँ एक बार घुमा के, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे शाम का मस्त मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, और हवा भी दे रहा था, और ये देख सकते हैं पेड़ वगैरह में हवा हिल रहा है पेड़ वगैरह, बट आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा था आसमान देखने में, पूरा मौसम एकदम मस्त लग रहा था मुझे देखने में, पूरा बारिश वाला मौसम किया, बट बारिश अभी होगा नहीं। तो फिर मैं निकल गई हूँ जाने के लिए, आप लोगों को बताएं कि हम जाएंगे पार्लर लेने के लिए, कुछ सामान लेना है मुझे, और मैंने वो सोचा था आईब्रो भी बनवाएंगे, तो देखते हैं वो आंटी है कि नहीं, आंटी रहेगी तभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं उन्हीं के पास बनाती हूँ, वो बहुत अच्छे से बना देती है, तो इसीलिए। तो ये हम लोग का रोड पड़ता है, छोटा सा प्यारा सा हम लोग का यहाँ पर बाज़ार है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं लेने के लिए। तो मैं पहले मेरा मतलब आईब्रो बनाना हो चुका था क्योंकि भीड़ था, तो मैं जल्दी जल्दी बना ली थी, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ईयरिंग वगैरह। मैं देख रही थी कैसा कैसा ईयरिंग है, मुझे ना ईयरिंग बहुत पसंद है, वो तो आप लोगों को पता ही है, छोटा हो बड़ा हो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, तो मैं लेती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही बोल रही थी ये वाला दिखाइए। तो बहुत ज़्यादा दुकान भीड़ था, तो इसीलिए कभी कभी मेरा बात सुन रही है, कभी कभी कुछ और। तो बहुत सारा कुछ लिए हैं, जैसे ईयरिंग हो गया, एक रिंग लिए हैं हैंड का, वो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या ली हूँ। तो उसके बाद यहाँ आ गए हैं मम्मी के साथ सब्जी काटने के लिए, घर आके मैं ये काम कर रही थी, ऐसे काट रही थी,
काटते देख सकते हैं। अभी मेरे को आता है काटना, फिर भी मम्मी बता रही थी कि ज़्यादा मत काटो, छोटा छोटा ज़्यादा नहीं करने बोली। तो रात में भिंडी और आलू का सब्जी बनेगा, तो इसीलिए मैं मम्मी के साथ बैठ के काट रही हूँ। तो उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे बनाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि रात हो चुका था, मेरा स्टडी भी हो गया। मैं सब्जी काटने के बाद ना मैं स्टडी करने चली गई थी, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी, क्योंकि कुछ कुछ लिखना था तो वही सब लिखे और थोड़ा बहुत पढ़े, क्योंकि अभी बुक तो है नहीं तो प्रॉपर तरीका से मेरा स्टडी हो नहीं पा रहा है, जैसे मैं करती हूँ वैसा हो नहीं पा रहा है। बट कोचिंग वगैरह स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ मैं बना ले रही हूँ, और मम्मी मतलब मैं रोटी वो बना देती हूँ और मम्मी बना लेती है, अंदर में किचन में है तो वो भी बना रही है, सब्जी भी बन रहा है और रोटी भी बन रहा है, दोनों साथ साथ में। तो यहाँ देख सकते हैं आ चुका है मेरा खाना, तो ये मेरा खाना है, रात का डिनर है स्पेशल सा। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नया नया व्लॉग डेली व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल को बिपाशास व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, नया एक दिन में नया एक इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा व्लॉग लेके आप लोग के लिए, बहुत अच्छा से व्लॉग बनाते। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट करके